हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। तो गाइस, ये मोबाइल हमारे पास है, ओप्पो A53। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से खुल चुका है। वैसे मैंने खोला है, कस्टमर लेके के आए हैं जो कि वाटर डैमेज है और इसमें लाइट नहीं आ रही। बाकी ये पूरा चल रहा है, मैं चेक करा दूंगा आपको कि पूरा ओके है। मतलब इसमें कस्टमर वगैरह कॉलिंग भी आ रही है। कस्टमर का कहना है कि सारे पानी में गिरने के बाद दिक्कत हुई है। तो गाइज, इसकी हालत तो वैसे भी ख़राब है, पर फिर भी कस्टमर चला रहा था। तो हमें जिस तरह से इसको रिपेयर करना है, लाइट आई सी कहाँ लगी गाइज, आप पूरे बोर्ड में ढूंढोगे तो आपको एक मिलेगी नहीं। बहुत ज़्यादा ही मतलब इसको छुपा के रखा गया साइड में। तो गाइज, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसको बताऊँगा कि लाइट की ट्रैक कैसे की जाती है। इन कनेक्टर में से जैसे डिस्प्ले का पत्ता है, तो कौन सी पिन पे वोल्टेज में लाइट के मिलेंगे। लाइट की प्रॉब्लम क्यों होती है पहले आप ये समझिए, क्योंकि लाइट में जो प्रॉब्लम होती है वो हाई वोल्टेज, कम से कम 20 से 25 वोल्ट बनते हैं डिस्प्ले की लाइट को जलाने के लिए मोबाइल में, क्योंकि आईसी इतना बूस्ट करती है। और पानी लगने के कारण सबसे पहले वो ही उड़ती है, क्योंकि हाई वोल्ट बना रही है तो सबसे पहले वो शॉर्ट हो जाती है, लाइन शॉर्ट हो जाएगी या फिर डिस्प्ले वैसे यहाँ से मतलब जो भी लाइन आती होगी या कनेक्टर से जल जाएगी। पर इसमें ऐसा नहीं हुआ है, इसमें लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमको जो ट्रैक है वहाँ पे हमको पावर ओम्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे हैं। ओम्स आएगी तो सप्लाई आएगी बराबर है, ठीक है। तो गाइज, इसको स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको किस तरह से इसको चेक करना है ये बता देता हूँ कि लाइट का सबसे पहले हमको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन चलना है। जैसे कि हमने डिस्प्ले खोल लिया है, तो हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि लाइट की ट्रैक जो है वो डिस्प्ले तक आ रही कि नहीं। सबसे पहले आप ए को देखिए, यहाँ पे ए लिखा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि लाइट का मतलब सिस्टम है यहाँ पे। अब आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना बताऊंगा। जिस तरह से यहाँ पे पहले हम चिपका लेते हैं इसको और हमारे मीटर को कंटिन्यूटी पर रख लेते हैं। हम सबसे पहले जो बेसिक जो हमको जो चेक करने वाली चीज़ें हैं वो हमको चेक करना होगी। तो गाइस, सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे ए है। ए से पहले हम ये चेक करेंगे कि पूरे करेक्टर में यहाँ पर पे इसकी लाइन आ भी रही है या नहीं आ रही है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आ रही है, मतलब ये आपका फर्स्ट वाला जो कनेक्टर की फर्स्ट लेग है, मतलब फर्स्ट वाली लेग पे यहाँ पे भी बज रही है, मतलब हमारी ये सप्लाई चालू है। अब बाकी हम दोनों ये K1 और K2 को भी देख लेते हैं, ये भी ठीक है या नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इसके दूसरे नंबर पे आ रही है, इसकी तीसरे नंबर पे आएगी, तो मतलब ये पास पास ही होती है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक सप्लाई बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम समझ गए हैं कि इसकी फर्स्ट वाली इसकी ए की फर्स्ट वाली पिन है। तो गाइज, हम इसी तरह से मोबाइल में आएंगे तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाली हमने फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि कनेक्टर इस तरह से लगेगा तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट आ रही है वो यहाँ पे फर्स्ट लगेगी। तो गाइस, अब यहाँ से हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि कहाँ पे। देखिए, मैंने इन बोर्डों पे पहले भी काम कर चुका हूँ, तो पहले क्या करते थे देखिए, यहाँ पे किसी ने वर्क करने की कोशिश करी, उसे लगा था कि यहाँ पे लगी लाइट आई थी, पर यहाँ पे मतलब नहीं गाइस, आपको ना ये खुलना है ना ये खुलना। ओप्पो A53 है ये, और ये यहाँ पर भी नहीं लगी है गाइस। ये छोटा सा हम साइड में हम देख पा रहे हैं, ये जो सिस्टम है गाइस, इसको आपको खोल के यहाँ पे आपको लाइट आई सी मिलेगी गाइस। और हमें क्यों प्रॉब्लम होती है, यदि आप स्कीमेटिक चलाएंगे तो आपको स्कीमेटिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोर्नियो का स्कीमेटिक मिलता है, मतलब कंप्यूटर पे आप उसकी स्कीमेटिक डायग्राम से आप सप्लाई वगैरह चेक कर सकते हैं दोस्तों, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो हम अभी यदि नहीं है जिनके पास स्कीमेटिक डायग्राम, तो वो किस तरह से करेंगे। वो स्कीमेटिक डायग्राम होने के बावजूद भी आपको एक गाइड की बहुत ज़रूरत है। यदि आप स्कीमेटिक डायग्राम होंगे भी तो आप करोगे क्या, जब तक आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं होगा। तो गाइस, अब हम इसका स्टार्ट करते हैं, इसको रिपेयर करना कर लेते हैं, ताकि हमेशा जब करते हैं तो आपको बताए पता है कि मेरा रिपेयरिंग करने का तरीका क्या है। तो गाइस, इस जो है हमको ये जो है शील्ड इसको निकालनी होगी। आपको शील्ड इस तरफ से निकालनी है, इस तरफ से, इस तरफ यहाँ पे आईसी लगी है और रेजिस्टेंस लगे हैं, इसलिए हम इस तरफ से नहीं निकालेंगे, हम इस तरफ से इसको काटेंगे। तो गाइस, इसके कैमरे वगैरह आप निकाल लें, हाथ वगैरह लगेंगे तो जिससे इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी गाइस। तो ये हम साइड में कर देते हैं गाइस।
शील्ड इसकी हटा चुके हम, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पानी कितना सारा लग रहा है, ये वाटर डैमेज हो चुका है जहाँ पे, ये थोड़ी सी हल्की सी इसमें सड़ लग गई है जिसकी वजह से सप्लाई यहाँ से यहाँ तक की बंद हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट पे इस पे ओम्स चेक करेंगे तो नहीं मिल रही हमें, और हम यहाँ पर फर्स्ट पिन पे जो चेक करेंगे वहाँ पे हमें सप्लाई नहीं मिल रही है। ये देखिए फर्स्ट पिन पे हमें सप्लाई नहीं मिल रही है, पर हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ तक जो है इसकी सप्लाई यहाँ तक आ रही है। देखिए गाइस, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, मैं और इसका अच्छे से फोटो आपको डाल रहा हूँ। देखिए कि ये हमारा एक और हमारे पास स्क्रैप मदरबोर्ड है, तो आप देखिए इसमें यहाँ पे एक कॉइल लगी है, और ये आईसी वगैरह का पूरा मतलब पूरा लाइट का सेटअप इसमें लगा है, और इसमें भी वही लगा हुआ है लेकिन यहाँ सड़ लग गई है। हम स्कोप से भी देख लेते हैं इसको तो हमें और समझ में आ जाएगा। मैंने एक चीज़ ये बता रहा भूल गया था कि देखिए हर डिस्प्ले की जो लाइट की पिन है 80% गाइज साइड में ही हो सकती है, यहाँ पे दो पिन हो सकती है नीचे, या यहाँ नीचे हो सकती है, या फिर अपनी ऊपर हो सकती है, मतलब चारों तरफ। कुछ ही ऐसे डिस्प्ले देखने में आए हैं जिनमें कभी बीच में होती हो, तो गाइज अक्सर यही देखा गया है कि साइड में जो पिने हैं उन्हीं में से जो होती है लाइट की प्रिंटें होती है। तो हम स्कोप देखेंगे एक बार। तो गाइज आप देख सकते हैं कितनी तरह से सड़ गई है, यहाँ पे हम इसको साफ कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है ये पावर को आगे डिस्प्ले तक ले जाने का काम करती है, हाई वोल्टेज होने के कारण ही ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन पे ज़्यादा लोड का काम आएगा तो ये तुरंत शॉर्ट हो जाएगी। तो गाइस इस पर हम इसको साफ करके देख लेते, कभी यही बन जाती तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता ये बने। ये देखें गाइस यहाँ से जो सप्लाई इसकी ये रहती है तो ये बड़े वाले कंडेंसर तक जाती है, और ये छोटे वाले कंडेंसर तक का इसका काम है, मतलब एक फ्यूज टाइप काम है। तो गाइज ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, रेजिस्टेंस हम ऊपर से चेक कर रहे हैं तो गाइज हमें यहाँ पे से देखिए यहाँ से इसका कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें किट लग गई है मतलब सड़ चुकी है यहाँ पे, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। इस कंडेंसर से सप्लाई पास होती है और यहाँ पे हमको मिलती है इस कंडेंसर पे छोटे से पे। तो गाइज अब इसको हम देख, इसको साइड में रख के हम इस वाले को देख के समझते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कंडेंसर उखड़ चुका है, क्योंकि मैं शील्ड निकाल रहा था। तो गाइस सिंपल सी बात है कि यहाँ से ये कंडेंसर से चालू होता पावर ये ऊपर वाले छोटे से कैपेसिटर पर ख़त्म हो जाता है, और ये जो रेजिस्टेंस है आप सोचेंगे कि डायरेक्ट हम कर दें, पर गाइस इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट कर देंगे तो गाइस इसमें लाइट जो हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा करेंगे वो नहीं होगी, तो ये गाइस ये काम की ही रेजिस्टेंस है, इसको लगाना ही पड़ेगी। तो हम सबसे पहले तो इस मोबाइल की मतलब इसकी मदरबोर्ड की ये जो लाइट की ड्राइवर रेजिस्टेंस है तो इसको हम निकाल लेंगे सबसे पहले, वो फिर इसकी जगह दूसरा लगा के चेक करते हैं गाइस। मैं इसके दो तीन आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, वो हम पहले इसको चेक पूरा स्टार्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद हम समझते हैं। मैंने इसको ठीक से गाइस साफ की है पर इसकी ट्रैक नज़र नहीं आ रही है, तो इसको मैं निकाल ही देता हूँ। तो इसको हम आयरन से निकाल देंगे, क्योंकि इसके लेग्स काफ़ी सड़ गए हैं, जो नीचे तक भी इसने ट्रैक को सड़ा दिया है। देखिए गाइस लेग्स बिल्कुल किस तरह से हालत है इसकी। यहाँ से हमने रजिस्टेंस जो निकाली है वो आप देख सकते हैं कि इस पे जो यहाँ से कनेक्टिविटी थी हमारे फर्स्ट लेग से, जो कि ये यहाँ पर है, मैंने आपको डिस्प्ले के थ्रू भी आपको समझाया है, और मैं बिल्कुल आपको अच्छे से समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट लेग है, मैं इसके बारे में मैंने बताया कि मैं दो तीन शॉर्टकट आपको बताऊँगा इसके। कई बार क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक की हमें लाइन नहीं मिलती, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जम्पर कर सकते हैं, जैसे कि ये तो इसका फर्स्ट, लेकिन यहाँ से इसको यहाँ पर पावर मिल के यहाँ आ रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से पावर दे सकते हैं, पर आपकी रेजिस्टेंस ठीक होना चाहिए। तो गाइज मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। अब हम अपने स्क्रैप बोर्ड में से यहाँ पे इस पर हम रजिस्टर लगाएंगे, फिर इसको चेक करते हैं कि क्या है, क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जो इसका
नीचे वाला है, हमको वहाँ पे ओम्स मिल रही है। देखिए हमको यहाँ पे ओम्स मिल रही है, जैसे कि हम यहाँ पे नीचे चेक कर पा रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पे हमको ओम्स मिल रही है और ये इसका जो है डिस्प्ले तक जा रहा है कनेक्शन। तो गाइज यहाँ से हम रजिस्टर लगा देंगे तो हमको यहाँ पे भी ओम्स मिलने लग जाएगी और हमारा सारा सर्किट वापस चालू हो जाएगा। तो फटाफट इस पर लगा लेते हैं। तो गाइस जो हमारा डिस्प्ले मदरबोर्ड है उसमें से ये रजिस्टर निकाल रहे हैं। तो अब गाइस सबसे पहले हम जो है इस पे हमने जो लगाई है रजिस्टर लगा दिए, तो इस पे हम ओम्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए गाइस ओम्स मिल गए हैं नीचे ऊपर दोनों तरफ और ये सप्लाई हमारी चालू हो गई है, इस कंडेंसर तक आ रही है। ये देखिए गाइस मतलब सप्लाई हमारी ओके हो गई है। तो यहाँ फर्स्ट लेग पे हम सबसे पहले इस पे चेक कर लेते हैं, इस पे भी ओम्स मिली जाएगी। ये देखिए गाइस मिल चुकी है और यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई चालू हो गई हमारी। अब इसको हम मोबाइल में लगा के चेक कर लेते हैं। कई भाई क्या करते हैं कि डिस्प्ले लगाने से पहले बैटरी लगा देते फिर डिस्प्ले लगाते, ऐसा कभी ना करें। डिस्प्ले को हमेशा पहले लगाएं फिर उसके बाद ही आप बैटरी को अप्लाई करें। इससे क्या होता है जरा सा हम डिस्प्ले गलत होता है और फिर हम बैटरी से सीधा सीधा पावर यहाँ पे आता ही रहता है, तो वो क्वाइल जलने या फिर रेजिस्टेंस जलने का सीधा सीधा प्रॉब्लम रहता है। ये देखिएगा इस डिस्प्ले आ गया है, ये वही बोर्ड है। मैं आपको एक बार और चेक करा देता हूँ जिसपे हमने साइन किए थे, छोटी सी प्रॉब्लम थी और ये सॉल्यूशन इसका हो गया है गाइस। तो फिर ऐसे ही वीडियो पे गाइस मिलते रहेंगे और भी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।